Govinda, 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 महाराज की ये मुगलाई सरकार पुलिस के बल का गैर उपयोग करते हुए हमें रोकने का दुस्साहस कर रही है। हम रुकेंगे नहीं। कृष्ण और राधा के साथ हाथ में माखन की मटकी लिए हुए घाटकोपर पुलिस थाने जाएंगे। सवाल ये नहीं है, हम कतई भीड़ जुटाना नहीं चाहते। सरकार हमसे कहे कि 5 लोगों में आप पारंपरिक मटकी करिए, हम स्वागत करेंगे। सरकार ये भी नियम बनाए कि जिन्होंने डबल वैक्सीन लिया वही करे, उस नियम का भी स्वागत करेंगे। पर यदि 5 लोग आते हैं जिनका डबल वैक्सीनेशन हुआ है, वह अगर परंपरा हिंदुओं की खंडित न हो, इसके लिए अगर कृष्ण जन्म का उत्सव मनाती है, कोई मानवीय थर वहां पे नहीं रखे जाते, पूरे नियमों का पालन करते हुए, प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, कोरोना प्रादुर्भाव न बढ़े यह ध्यान में रखते हुए यदि हम हमारी हिंदू परंपरा कायम रखते हैं, तो बुनियादी सवाल उपस्थित यह होता है कि ठाकरे सरकार को इस बात पर क्या आपत्ति है, कौन से ऐसे कारण हैं वे हमें रोकने का दुस्साहस कर रहे हैं। द्वापार ने भी देखा था कि दुर्योधन का और दुशासन का अहंकार की आयु लंबी नहीं होती, अहंकार की आयु बहुत कम होती है। अन्य धर्मों के जब त्योहार आते हैं तो महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार आधी रात को मंत्रालय खोलती है और परंपरा के तहत वे त्योहार मनाए इस प्रकार की अनुमति देती है। हम नहीं कह रहे कि हजारों की भीड़ जुटाओ, हम तो केवल 5 या 10 लोग, वो भी वैक्सीनेटेड है, कोई एक के ऊपर एक कोई थर नहीं रखे करेंगे। जैसे पुलिस प्रशासन कहेगा, सरकार कहेगी, वैसे हम परंपरा खंडित नहीं हो, ऐसा हम उत्सव मनाएंगे। उस पर भी ठाकरे सरकार को आपत्ति, हमें यहां से जाने को रोका जा रहा है। पुलिस से हमारी चर्चा हुई, पुलिस के प्रति हमें पूरा आदर और सम्मान है, वे उनके वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर रहे हैं। कुछ देर में हम स्वयं महाराज से के गृह मंत्री से बात करके न्याय की गुहार लगाएंगे और उनसे सवाल पूछेंगे कि इतनी हजारों की पुलिस यहां पर आपने तैनात की है, उसमें से 5% भी पुलिस कल थाने में उन्होंने उस महिला अफसर के साथ तैनात की होती तो उसकी 3 उंगलियां जो कट गई वह न कटती।